आपको कहा जाता है कंट्रोवर्सी किंग, ये आपके लिए सम्मान की बात है। अब ये तो मीडिया द्वारा दिया गया नाम है, तो हमें जो भी नाम देते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया जो भी नाम देता है। तो आपको क्या लगता है आप कंट्रोवर्सी किंग है? नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं करता, बट मीडिया को कंट्रोवर्सी लगता है। मैं तो देखो जिस भाषा में जो कहता है उस भाषा में जवाब देता हूँ। और अक्सर लोग आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ज़मीनी तौर पे नेता नहीं है, आप सोशल मीडिया नेता हैं। तो अगर एक सोशल मीडिया के नेता से ही अरविंद केजरीवाल इतना डरते हैं, पूरे पंजाब के प्रशासन और पुलिस को ही लगा देते हैं, तो बीजेपी का अगर कोई जमीनी नेता आ जाएगा फिर उनका तो मुझे लगता है क्या हाल हो जाएगा। सत्येंद्र जैन को लेकर काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि क्या सिर्फ इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाएगा? नहीं, तो बीजेपी ने थोड़ी उनको कहा था कि चुनाव आने वाले मसाज करा लीजिए, चुनाव आने वाले आप ताज और एडिसन से खाना मंगाइए। ये तो वो मंगा रहे हैं, अब अगर वो मंगा रहे हैं तो दिख रहा है। लेकिन वीडियो तो अभी वायरल हो रहे हैं, पहले भी हो सकते थे काफ़ी, 30 मई से वो अंदर हैं। नहीं तो जब ये जो वीडियो है अक्टूबर नवंबर के, तो जब उनको मसाज की जरूरत पड़ी तभी तो वीडियो आएगा बाहर।